स्टेबिलिटी ऑफ टू रेजोनेटिंग कंटेनिंग कंपाउंड, यानी रेजोनेंस है और स्टेबिलिटी हमें देखना है, और जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा उनमें रेजोनेंस एनर्जी भी होगी। रेजोनेंस एनर्जी हमेशा मैग्नीट्यूड में कंपेयर की जाती है। लेकिन इसमें इस टॉपिक को पढ़ाते वक्त मुझे बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी कि रेजोनेंस एनर्जी किस किस या रेजोनेंस स्टेबिलिटी किस किस पे फ़र्क पड़ रही है। तो कई नई टर्म आएगी जो आपको आगे पढ़ने को मौका मिलेगा, कोई बात नहीं, आप अभी समझ लो, ठीक है ना। जितना पढ़ा है उस हिसाब से तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? तो करें आगे हम। सबसे ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबल होता है और वो होता है क्वासी एरोमेटिक। ये क्या होता है ये आपको बाद में समझ में आएगा। तो सबसे ज़्यादा होता है क्वासी एरोमेटिक, यानी एरोमेटिक में नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? क्वासी एरोमेटिक। फिर आएगा आपके पास रेजोनेंस के अंदर नॉर्मल एरोमेटिक, यानी एरोमेटिक है, सही है, एरोमेटिसिटी है। फिर आएगा इक्विवेलेंट रेजोनेंस, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजोनेंस है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। यानी रेजोनेंस में अगर इक्विवेलेंट रेजोनेंस आ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा फैक्टर अफेक्टिंग होगा। फिर आएगा आपके पास, इसके बाद आ जाएगा आपके पास, अगर इक्विवेलेंट भी है तो हम बात करेंगे सिक्वेंस, और फिर आएगा सिक्वेंस रेजोनेंस, फिर आएगा आपके पास क्रॉस रेजोनेंस, क्रॉस रेजोनेंस, फिर आएगा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर आएगा नॉन रेजोनेंस, रेजोनेंस ही नहीं हो, फिर सबसे बाद में आएगा नॉन रेजोनेंस, यानी रेजोनेंस ही नहीं हो, और एक और आता है रेजोनेंस हो लेकिन बहुत खराब केस है, और वो है एंटी रेजोनेंस, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ये हमें अभी पढ़ना है कि क्वासी एरोमेटिक, एरोमेटिक क्या होता है। यानी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ फैक्टर हमारे एक साथ आ रहे हैं, जिसमें से बहुत सारे फैक्टर हमने नहीं पढ़े, लेकिन जो जो पढ़े वो तो हम समझा सकते हैं। जैसे एग्जांपल, क्या हमने ये पढ़ लिया इक्विवेलेंट रेजोनेंस? हाँ, ध्यान से सुनना, इक्विवेलेंट रेजोनेंस में एग्जांपल कर सकते हो आप, कंपेयर स्टेबिलिटी बिटवीन फॉलोइंग। सबसे पहला, समझ में आना, समझने की कोशिश करना है, मैं यहां पर OH ले रहता हूं, और चलिए डबल बॉन्ड, और यहां CH3, ठीक है, कोई दिक्कत? पक्का? और एक मैं ले रहा हूं आपके पास यहां पर CH2O-। बात को समझते हैं, क्या ये यहां पर रेजोनेंस होगा? हाँ। तो आप एक बात बताएं मेरे को, इन दोनों में फर्स्ट के अंदर अगर हम बात करें तो इसकी रेजोनेटिंग, ये हमारे पास हो गया ए और बी, अलग अलग ही चल रहे थे, बहुत पढ़ना है इस टॉपिक को हमें। तो ए और बी में अगर आपने बात करा CH3, क्या लग रहा है आपको? ये इस तरफ चला जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा, ए ऑप्शंस। तो आपके पास क्या बन जाएगा? CH3 डबल बॉन्ड O-। क्या ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस है? हाँ, क्योंकि पहले भी O-, था, अब भी O-, लग ही नहीं रहा है, पता ही नहीं चल रहा ये क्या है। तो ये क्या हो गया हमारे लिए? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। बोलो हाँ या ना? तो ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। इक्विवेलेंट रेजोनेंस क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि रेजोनेंस के बाद सेम स्ट्रक्चर मिलना है, हो रहा है। आफ्टर रेजोनेंस वी गेट
वी गेट सेम सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस है ए के अंदर, जबकि बी के अंदर क्या है, ओ माइनस इधर गया, ये इधर गया, सी एच टू ओ डबल बॉन्ड और ये माइनस आया, तो कौन ज्यादा स्टेबल है? नॉट इक्विवेलेंट रेजोनेंस. कौन ज्यादा स्टेबल है ए और बी में? ए, क्योंकि सेम वैसा का वैसा ही मिल गया आपको, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजोनेंस. आ रही है कुछ कुछ बात समझ में? चलो, तो इसका मतलब हमारे लिए ये वाला एनायन ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस एनायन के. कोई डाउट? अब आगे हटा दूं मैं. एक और फैक्टर मैं आपको बता रहा हूं, इसको भी ध्यान से देखना आप. मैंने यहां लिखा आपके पास C डबल बॉन्ड O O माइनस, डबल बॉन्ड O O माइनस, और हम ले रहे हैं यहां पर दिस O माइनस. आ रही है बात समझ में? ये कौन सा है हमारे पास, कार्बोनेट आयन. कुछ समझ में आ रहा है? चलिए OH ले लो आप, कार्बोनेट मतलब OH ले लो, और एक ले लो ये CH3. बिल्कुल अलग अलग कंपाउंड है, मैं एक ही कंपाउंड की दो रेजोनेटिंग में नहीं बात कर रहा. सेकंड एग्जांपल क्या लग रहा है आपको, कौन ज्यादा स्टेबल होगी ए और बी में? जल्दी से जोर से बोलिए, जय माता दी, जोर से तो बोलो यार, कौन ज्यादा स्टेबल लग रहा है आपको ए और बी में? तुक्का ही लगाओ, सब तुक्का लगाओ, गैस करो, जल्दी से बोलो ए ज्यादा स्टेबल या बी, कुछ तो बोलो, देखते हैं किसका सही बैठता है. ए के साथ कितने स्टूडेंट है, बी के साथ कितने स्टूडेंट है? बेटा यहां पर बी ज्यादा स्टेबल है. देखिए हो ये रहा है कि ये वाला जो रेजोनेंस है वो इस तरह से होगा, होगा या नहीं होगा समझना. तो ए को पहले अच्छे से देखो आप, ए को देखोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा. ये लो, ये वाला लोन पेयर इधर गया और ये इस तरफ गया. अब बताओ क्या हुआ, पूरी कहानी में क्या हो गया, ओ H डबल बॉन्ड C O माइनस और ये क्या हो जाएगा O माइनस. समझ में आ रही है बात? और यहां ऑक्सीजन पे प्लस. तो अब क्या हो रहा है, क्या ये दोनों रेजोनेंस में है? नहीं. इज दैट क्लियर, पक्का? तो अब दिक्कत यही तो हो रही है कि हमारा ये जो एनायन है, ये वाला एनायन है, ये इसके साथ इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं है. मतलब हो ये रहा है, बी को भी देख लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर तभी होगा. बी को भी देख लो आप, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, ठीक है. अब ये यहाँ रेजोनेंस हुआ, ये इधर चला गया, सी एच थ्री सी ओ माइनस डबल बॉन्ड ओ, क्या लग रहा है आपको? मुझे तो एक ही चीज लग रही है, और वो ये लग रही है कि मैं जब ये रेजोनेंस देख रहा हूं तो मेरी ऑक्सीजन मेरी है O माइनस के साथ, जबकि मेरी ऑक्सीजन यहाँ पर किसी और की है, B है. तो अच्छी होगी क्या? नहीं होगी ना. आपकी कोई नई नई फ्रेंड बन रही है और वो किसी और की भी है, तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना. तो पता चलेगा उतना इफेक्टिव बॉन्डिंग नहीं हो पा रहा है. अब ये देखो, इसका डबल बॉन्ड इसके साथ भी रेजोनेंस में और इसके साथ भी है, समझ में आ रहा है? तो इसके साथ इसका रिलेशनशिप उतना स्ट्रांग नहीं होगा, और हमें इसके साथ चाहिए, क्योंकि एनायन चार्ज का डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी. तो आपको क्या लिखना है यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि जब इन केस ऑफ एनायन
नॉट न्यूट्रल की बात नहीं कर रहे, इन केस ऑफ एनायन हमें एनायन यानी कि चार्ज का डिस्प्लेसमेंट करना होता है, और चार्ज का डिस्प्लेसमेंट करना होता है, और चार्ज का डिस्प्लेसमेंट नहीं होके दूसरे रेजोनेंस हो रहे हैं, तो वो हमारे लिए रेजोनेंस को कम कर रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले पॉइंट क्या लिखोगे यहाँ पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन केस ऑफ एनायन, दोनों एनायन, इन केस ऑफ एनायन चार्ज डिस्प्लेसमेंट गिव्स मोर इफेक्टिव रेजोनेंस। यार किसी के पास जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस होगा, वो गिव्स मोर इफेक्टिव रेजोनेंस। सेकेंड पॉइंट, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इफ ध्यान से सुनना, मैं इसको अपनी लैंग्वेज में ले आता हूं, अगर किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन बढ़ती है अच्छी बात है, लेकिन कैसे बढ़ रही है, वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू बढ़ रही है या डबल बॉन्ड के थ्रू बढ़ रही है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये लैंग्वेज अभी नहीं समझ में आएगी, रुक जाओ एक सेकंड और रुक जाओ, पहले ये वाला स्टेटमेंट मैं खत्म कर दूं। इन केस ऑफ एनायन चार्ज डिस्प्लेसमेंट गिव मोर इफेक्टिव रेजोनेंस एंड मोर स्टेबिलिटी, एंड मोर स्टेबिलिटी। दूसरा स्टेटमेंट, इफ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ऑलरेडी रेजोनेंस विद अनादर, इफ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन इज ऑलरेडी बॉन्डेड, ऑलरेडी रेजोनेंस विद अदर OH ग्रुप, देन इट विल शो लेस रेजोनेंस विद ओ माइनस, सो लेस इफेक्टिव रेजोनेंस। हो सकता है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी ज्यादा हो, किसकी, इसकी, लेकिन मैंने वो रेजोनेट नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वैसे मेरी बहुत बाद में जाके आया था फैक्टर, पहले क्या था इफेक्टिव रेजोनेंस आ रहा है। तो यहाँ चार्ज डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, चार्ज डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस स्टेबिलिटी सब ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो रहा है। अब स्पेशल पॉइंट, एक और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ये है मेरे पास कोई एटम, अब वो कार्बन में नहीं शो कर पाऊंगा, मैं शो कर पा रहा हूँ सल्फर में, ये है ओ माइनस, समझ रहे हैं आप क्या है ओ माइनस, पक्का। और अब एक और ऑक्सीजन मैंने बढ़ाया इस फॉर्मेट में, मैंने कुछ इस तरह का ले लिया, और एक और मैंने बढ़ाया इस तरह से, इसमें भी तीन ऑक्सीजन, इसमें भी तीन ऑक्सीजन, और एक मैंने ऐसे ले लिया, क्यों मैंने कार्बन क्यों नहीं ले सकता था, यहाँ पर दिक्कत आ रही थी, कार्बन के साथ दिक्कत आती है मुझे, क्योंकि पांच छह वैलेंसी नहीं शो कर सकते। तो आप मेरी बात को समझ लीजिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी, यहाँ रेजोनेंस है, हाँ यहाँ रेजोनेंस है, ये इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है, यस और नो, यहाँ रेजोनेंस है, ये इसके साथ है और ये इसके साथ भी है। तो ये क्या कहेगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एक है लेकिन वो भी किसी और के साथ अटैच है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक है लेकिन सिर्फ इसके साथ है, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दो है और दोनों इसके साथ है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर अगर रेजोनेंस एनर्जी स्टेबिलिटी की बात करेंगे ए बी सी डी के लिए, तो कंपेयर स्टेबिलिटी, यानी हमारे पास थर्ड एग्जांपल हो गया
कंपेयर स्टेबिलिटी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा आपके पास बी, फिर होगा ए, फिर होगा सी, पहले बी फिर ए फिर सी। क्यों भाई? मैंने आपको बोला तो है, फिर भी बोल देता हूं। ए के अंदर सिंगल डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल सिंगल की जगह दिक्कत आएगी, ओनली वन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। बी के अंदर आप क्या लिख सकते हो? आप टू डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। और सी के अंदर क्या बोलोगे? ओनली वन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। बट शो रेजोनेंस विद OH ग्रुप, तो लेस इफेक्टिव रेजोनेंस। कहने का मतलब है ये O माइनस इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, ठीक है, रेजोनेंस करना चाहता है, और ये रेजोनेंस ऑलरेडी किसी और के साथ है, तो ये वाला रेजोनेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये इसके साथ करना चाहता है, ये ऑलरेडी किसी के साथ एंगेज्ड है, तब इसके साथ रेजोनेंस कम होगा, और हमें इसी के साथ रेजोनेंस देखना है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा इफेक्टिव होता है। क्लियर है? तो हमारे लिए गुरु मंत्र क्या बनेगा? हमारे लिए गुरु मंत्र ये होगा कि यहां ऑक्सीजन थी दो, यहां तीन है, यहां तीन है। अगर आने वाली ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के रूप में आती है तो सपोर्ट करती है, और OH के रूप में आती है या OR के रूप में आती है तो अनसपोर्ट, सपोर्ट का क्या हो जाएगा दूसरी तरफ वर्ड? हाँ बोलो, अपोज करती है, यही लिखें अपन। तो ये वर्ड लिख लिया जाए पूरा आपकी लैंग्वेज में, तो क्या लिखा जाए? बहुत अच्छा पॉइंट बनेगा आपका रेजोनेंस स्टेबिलिटी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन केस ऑफ ओ माइनस, इन केस ऑफ ओ माइनस रेजोनेंस, ओ माइनस रेजोनेंस, इफ ऑक्सीजन एड इन फॉर्म ऑफ डबल बॉन्ड या इन फॉर्म ऑफ डबल बॉन्ड या जॉइंट विद डबल बॉन्ड, इस तरह से, देन इट विल सपोर्ट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ ओ माइनस, एंड इफ ऑक्सीजन एड इन फॉर्म ऑफ एड इन फॉर्म ऑफ ओ आर और ओ एच, देन इट अपोज्ड अपोज्ड टू रेजोनेंस, टू इफेक्टिव रेजोनेंस। भाई मेरा कोई दोस्त है, हम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती है, और एक तीसरा दोस्त आता है, वो कहता है यार कि यार वो दोनों की दोस्ती की मजबूती भी कर सकता है, यार वो तेरी कितनी तारीफ करता है, वो तेरी कितनी तारीफ करता है। और एक तीसरा दोस्त आया, वो कहता है यार बनना तो दोस्त दोनों का चाहता है, लेकिन लड़ाई करा देता है, यार वो तेरे बारे में ऐसा कह रहा था है, और उससे भी जाके वो तेरे बारे में ऐसा कह रहा था, तो लड़ाई भी करा सकता है। तो वो लड़ाई कराने वाला कौन है? OH और OR यहाँ पर, और सुलह या सपोर्ट करने वाला कौन है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो अगर आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाए,
तो मैं बहुत प्यारा एक एग्जांपल ले रहा हूं, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट SCPO4 SCPO3 H2PO3। अजीब सा क्वेश्चन है, तो आंसर कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले H3PO4 क्या बनाएगा, H प्लस देखिए क्या बनाएगा कॉन्जुगेट, H2PO3 माइनस H2PO4 माइनस, सही है। इसका देखिए वो बनाते हैं अपन स्ट्रक्चर, बनाना थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ओ एच ओ एच ओ माइनस और डबल बॉन्ड, क्या लग रहा है आपको? देखते हैं, आप ही आंसर देंगे इसको मेरे को, ए बी सी डी में, ए बी सी। दूसरा, ये तो अपना पहला हुआ, दूसरा एग्जाम H3PO3 H प्लस प्लस H2PO3 माइनस, P बहुत इजी है, H कितने हैं हमारे पास, डबल बॉन्ड O, O माइनस, अभी भी हमारे पास एक OH है। ये है इसकी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर भले ही आपको याद नहीं हो लेकिन अभी मैं स्ट्रक्चर आपको बनाना फ्यूचर में सिखाऊंगा, लेकिन अभी तो आपको बनी बनाई दे रहा हूं मैं। तीन ऑक्सीजन यहां पर भी है और थर्ड H2PO3 H प्लस प्लस HPO3 माइनस, तो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी आपकी P डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O माइनस H2PO3, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, PO माइनस, और हमारे पास दो एच है, अभी भी एक एच है हमारे पास, चलिए। तो हम कैसे हम इसको देख रहे हैं, P डबल बॉन्ड O तो है ही, O माइनस भी है, डबल बॉन्ड O लाते हैं तो हमारा H रह जाता है और H लाते हैं तो हमारा O रह जाता है, तो हम इसको कैसे बना रहे हैं, बनाइए इसको,